पड़ोसी हैं, पड़ोसी नहीं हम चाची हैं जो लड़के गुजर गए हैं। तो आपसे कभी बात हुई हो? ऐसे कोई किसी रिश्तेदार से बात नहीं हुई उनकी। आपको बहू बताई थी, आप बोल रहे थे कल बहू रोई है, थोड़ा सा बताई है कि ऐसे ऐसे मैसेज आता, हमसे पैसे मांगते हैं 17 लाख, बोलते हैं कि पैसे दे दो नहीं बर्बाद कर देंगे। अच्छा, तो मैं बोली पुलिस में कंप्लेन कर दो जी। बस इतने कही वो फोन रख दी, हो गया। फोन पे बताया था आपको? फोन पे बताई है। फोन लोग परेशान कर रहे थे कुछ बताया? ये बोली चाची ऐसे खुल के फोन नहीं आता, जो नंबर से आता उससे फोन करते थे, फोन नहीं लगता है। फोन नहीं लगता? हाँ। पैसे कितने मांग रहे हैं? 17 लाख। 17 लाख। और मैसेज क्या गलत तरीके के मैसेज भी करते हैं? हमारे साहब छोटा सा फोन है, मेरे में कुछ नहीं आता था। अच्छा, आपने कहा पुलिस को बता दें? हाँ हम बोली हूँ तो बोली बता दी हूँ, बता दिए हैं पुलिस को, रिपोर्ट कर दिए हैं, बस यही बहू बताई है। और हम लोगों को कुछ पता नहीं है, और कुछ पता नहीं, और हम लोगों को साहब कुछ नहीं पता है। कहां के रहने वाले थे आप लोग? हम लोग सब कोई रीवा के रहने वाले हैं, वो यहाँ रहते थे, वो लड़का का बड़ा भैया भीमनगर में रहता था, मैं बागसमनिया में रहती हूँ, ये हमारी भांजी हैं तो यही नीलबड़ में ये रहती हैं, तो किसी से कुछ नहीं बताई थी। क्या काम करते थे? बैंक में करते थे ना, बैंक में क्या? प्राइवेट जॉब करते थे। हाउस वाइफ थी, घर में रहती थी, बच्चे थे दो छोटे। तो कर्जे क्या थे, इन्हें जरूरत क्या पड़ गई? अब ये साहब हम लोग खुद नहीं जानते, उनके मैसेज खुद नहीं जानती, तो हम लोग क्या बताएं साहब। बस ये बताया था कि परेशान कर रहे हैं कोई लोग। हाँ, कोई परेशान कर रहा है। हाँ बस इतना, हम बाकी हम लोग नहीं जानते। मेरा नाम सावित्री विश्वकर्मा है। आप सिस्टर हैं जो लड़के के लिए थी? जी हाँ, बुआ की लड़की हूँ। अच्छा, मतलब उनकी तो कुछ बताया आपने कभी? नहीं, उनको कुछ भी नहीं बताया, फोन ऑन भी नहीं आया था। सिर्फ अभी मेरा सुबह नोटिस आई थी, मतलब सुसाइड का, इसके अलावा कोई बात नहीं तो हुई। व्हाट्सएप पे भेजा था? हाँ हाँ, व्हाट्सएप तो हमारी लड़की भतीजी भेजी थी, क्योंकि हाँ, उनके एक ही जन के पास वो भेजे थे, वो भीमनगर भेजे थे उनके पास, भतीजी के पास, वो मेरे पास फोन करी थी बताई, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक नंबर जरूर लिंक हुआ था, मेरे पास गया था, भूपेंद्र की फोटो थी और मेरी बच्ची का नाम था, तो उसको पास मैसेज फोटो भेजे थे, तो उसने सिर्फ इतना बताया था कि हमारा नंबर लिंक हो गया है, इसका कोई भी अगर मैसेज वगैरह आता है तो उसका रिप्लाई मत करना। इस पास आया था मैसेज वगैरह? मैसेज कुछ नहीं आया था, उसकी फोटो, अब फोटो बस आई थी, हमारे बच्ची का नाम लिखा था, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं सभी के पास उसका ये लिंक पहुंच गया था जिसके हाँ, नाम से उन्हें जो भी हो, जो भी ब्लैकमेल कर रहा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जानकारी क्योंकि दिया नहीं, खोला नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। तो खोले थे, सिर्फ फोटो बस थी और बाकी कुछ नहीं था। तो फोटो गलत थी कि सही थी? फोटो उसी की थी, भूपेंद्र की ही फोटो थी। अच्छा, ये कर्जे लिए हुए हैं? कर्जा वर्जा कुछ भी नहीं था, सिर्फ फोटो बस था, तो सिर्फ उससे पूछा गया था, तो बोला मेरा नंबर लिंक हो गया है, इसको कोई रिप्लाई मत देना, बाकी कुछ भी नहीं था। अब परेशान थे, बहुत थे परेशान। एक दिन बात हुई होगी, मेरे से तो नहीं हुई है, अब जैसे भाई लोगों से भी हुई है, तो दिखा देना क्या आया हुआ है जी। तो वही परेशान थे। हाँ, आप परेशान हैं, आप लोगों को दुख होगा कि आखिर ऐसा कदम क्यों? अरे भैया, अब हमारा भाई चला गया, हम परेशान नहीं होंगे, खुशी मनाएंगे क्या? चार चार बच्चे चले गए और आप लोग ऐसे, हम नहीं जवाब। ये दिखा दो, बताया था। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। रिंकी विश्वकर्मा। आपको, आपके कौन थे ये जिन्होंने? मेरे चाचा चाची थे। चाची, आपके मोबाइल पे सुसाइड नोट उन्होंने भेजा था, क्या लिखा था इसमें? यही सब था, लिंक वगैरह का था, और बोले कि मतलब वो यही बोले कि क्या बोलते हैं, मैं सुसाइड कर रहा हूँ करके, बस वो बोले किसी को बोलना, परेशान नहीं हो। आपने फोन नहीं लगाया तुरंत जब सुसाइड? फोन उनके पास नहीं था, क्योंकि ये हैक हुआ था ना, तो ये पुलिस में जमा था मोबाइल उनका पहले से। अच्छा, पुलिस में शिकायत करी थी पहले? उनने करी थी। तो कोई मदद भी नहीं हुई है? अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब वही नहीं है, तो वो क्या बताएंगे, यही पता था कि उन्हें शिकायत करी है। इससे पहले आपको कोई फोटो भी आई थी उनके अननोन नंबर से? आई थी। क्या था उसमें? फोटो में उन्हीं की फोटो थी, बिना कपड़े की, बस बिना कपड़े की। हाँ। अच्छा, असली मतलब ऐसे क्या, फिर उन्होंने क्या बोला? आपने ये चाचा को बताया, वो क्या बोले थे? वो कुछ नहीं बोले, वो पहले मैंने नहीं बताया था किसी को, जब गांव से फोन आने लगे कि ऐसे ऐसा आ रहा है, तो फिर मैंने बताया कि हाँ मेरे पास भी आया है। ठीक है, तो चाचा क्या बोले थे? चाचा कुछ नहीं बोले, बोले कि फोन ऑन आए ना तो मत उठाना और बात मत करना, वो हैक करेगा, उसने मोबाइल वगैरह हैक कर लिया, ऐसा करके बता रहे थे बस, और ज्यादा बात नहीं हुई। अच्छा, परेशान चल रहे चाचा? हाँ। कौन कौन शामिल है उसमें, पूरा मामला जानना चाहूंगा। आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हमारे पास डायल 100 के माध्यम से सूचना आई कि एक परिवार में पति पत्नी और दोनों बच्चे, इनका सुसाइड हुआ है। तस्दीक करने पर पता चला कि जो बच्चे हैं वो सल्फाज खाने से उनकी मृत्यु होना समझ में आ रहा है, और पति पत्नी जो है वो पंखे से फांसी लगाकर लटके हुए पाए गए। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें ये लिखा है कि इनके ऊपर काफी कर्ज हो गया था,
जिसको चुकाने के लिए इन्होंने ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन एप्स का माध्यम इस्तेमाल किया, और ये लोग रियलाइज नहीं करते कि उस समय उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, गैलरीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, जिसको यूज करके लोन ऐप्स ने जो है इनको एक्सट्रॉट करना शुरू किया, जिससे परेशान होकर संभवतः यह कदम उठाया गया है। सर कैसे एक्सट्रॉट में अश्लील फोटो मैसेज भी किए गए, इनके परिवार वालों को भी कॉल करके परेशान किया जा रहा था। हाँ, तो मतलब इसमें ऐसा होता है यूजुअली कि ये लोग जो है आपकी गैलरी से आपका फोटो यूज कर सकते हैं, और हो सकता है उनके पास गया हो, तो वो सारा हम लोग लेंगे, उसकी फोरेंसिक जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। लोन सर क्या सर लोन ऐपों का था या फिर आम लोगों का भी था जो लोगों ने परेशान कर रहे थे? अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है, उसने लिखा है कि कर्जा में था और उसने होम ऐप्स का भी लिखा हुआ है, तो संभवतः हो सकता है केवल लोन ऐप्स हो या हो सकता है कि दोनों ही पहलू हों इसमें। अभी सर अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा दी है और जी पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज मोर्चुरी गई हैं, तो उनके मृत्यु का एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। उसके अलावा परिजनों के बयान होंगे, फोरेंसिक एनालिसिस होगा फोन का, लैपटॉप का, बैंक अकाउंट्स का और मोबाइल डेटा का, जिससे हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे कि परपेट्रेटर कौन है। ये मूल तक कहाँ के रहने वाले सर पता चल पाया कि वो